मित्रों, मेरे YouTube चैनल BS Entertainment में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो मैं अभी वैसे पवित्र स्थल पे आ चुका हूँ जिसको माँ देवड़ी मंदिर के नाम से जानते हैं। देवड़ी मंदिर के पवित्र प्रांगण में ही हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं। मैं अभी इन लोगों से भी मैं बात करूंगा कि ये बंधुवर आए कहाँ से हैं और किस निमित्त कैसे कैसे यहाँ पहुँचे हैं। मेरे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे दर्शकों को आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि यहाँ कैसे आना हुआ। सबसे पहले तो मैं बता दूंगा BS Entertainment को कि वो आगे बढ़े और काफ़ी आगे तक जाए। मैं मनीष सिंह रांची से आया हुआ हूँ। बेसिकली आने का मकसद था, आज हमारे मित्र जो वर्तमान में यहाँ पे ग्रामीण SP हैं, उनका जन्मदिन है, उसको लेके यहाँ पे पूजा पाठ करने आया था। दीर्घ आयु के लिए आप लोग यहाँ प्रार्थना करने के लिए आए हैं, ऐसा कह सकते हैं। जिंदगी में हमेशा सफलता के राह में चलें और उनकी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और हमेशा हम मित्रों पर भी ख्याल रखें। तो उनके जन्म दिवस पर आप उनको अपनी बातों से इस देवड़ी मंदिर के प्रांगण से क्या संदेश देना चाहते हैं? माता रानी हमेशा उनका ख्याल रखें, हमेशा उन पर आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए अभी और भी मैं लोगों से बात करता हूँ, तो आप भी मेरे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखने की। दिलीप सिंह हुआ, मैं रांची से आया हूँ और हम लोग के मित्र कहिए कि ग्रामीण SP मनीष टोपो जी हैं, उनका जन्मदिन है। तो आज माँ से यही हम लोग कामना किए कि उनकी कृपा असीम बनी रहे और वो भी निडरता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन क्षेत्र की जनता के साथ करते रहे। माँ का आशीर्वाद उन पर बना रहे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, ये बंधुवर अपने मित्र की के जन्म दिवस पर उनकी आयु दीर्घायु हो, अपने कार्य क्षेत्र में वो आगे बढ़ते रहें, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ माँ देवड़ी से जो 16 भुजी माता है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए थे। आपका भी मेरे चैनल पे स्वागत है। एक स्टूडेंट हूँ, मेरा घर इसी सामने ही है, तमाड राइडी मोड़ में, बस यही बताना चाहता हूँ। और मैं कोई संदेश? और सर, हमेशा सफलता की ऊंचाई चुमते रहे, बस यही बोलना चाहता हूँ। और अभी भाई साहब के मित्रगण है, उनके साथ में यहाँ के पुजारी जी हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी मेरे चैनल के माध्यम से इन लोगों के जो मित्र हैं उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे जो ग्रामीण SP साहब हैं, उनके मित्र, उनके सहयोगी जो भी हैं, उनके ना आने के कारण की वजह से, क्योंकि वो प्रशासनिक से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्तता बढ़ी रहती है, इसीलिए उनके मित्रगण यहाँ पर उनकी माता से आशीर्वाद लगाने, माँ के दरबार में गुहार लगाने आए हैं कि उनकी जन्मदिन को लेकर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता उनके आशीर्वाद देते रहें, वो स्वस्थ रहें, लंबी दीर्घायु हो, यही कामनाओं के साथ उनके मित्रगण मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना करने के लिए। अच्छा, एक मैं आपसे और आग्रह करता हूँ कि यहाँ के बारे में कोई विशेष जानकारी अगर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ की जानकारी क्या, देखिए जिस प्रांगण में हम लोग खड़ा हैं, 16 भुजी माँ दुर्गा देवड़ी देवी के नाम से जानी जाती है। माँ 16 भुजाओं से विराजमान है। इस दरबार पर जो भी सच्चे मन से मुरादे लेकर आती हैं, माँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मेरे चैनल पे आप लोग लगातार बने रहें, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।